आपके सामने ये बजट है, ये कोई तकरीबन जनाब स्पीकर 1 खरब 68 अरब रुपए का से ज्यादा का ये बजट है। इसमें मुतालबात जो है वो 38 है और उनमें सिर्फ 9 मुतालबात ऐसे हैं जिन पे वोट होना है जी, जो वोटिंग के लिए हैं। बाकी 29 मुतालबात जो हैं उन पर वोटिंग जो है वो दरकार नहीं है जी। जनाब स्पीकर, सिर्फ 9 मुतालबात के लिए इतना बड़ा हुजम जो जिमनी बजट का रखा गया है वो मेरी समझ से तो बाहर है। जनाब स्पीकर, जब मैंने ये किताबें खोली, ये कोई 5 100 सफे की ये सप्लीमेंट्री बजट की जो किताब थी और मैंने उसको देखा और उसमें जो फहरिस्त असेंबली ने जारी की थी जनाब स्पीकर, इसमें कुल डिमांड्स जो थी वो 38 थी जनाब स्पीकर। और मैंने जब ये किताब खोली जनाब और इसमें मैंने वो देखी तो जनाब स्पीकर वो उनकी तादाद जो वोट के लिए थी जनाब स्पीकर वो 37 थी। अब मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ये मैं असेंबली की जारी करदा फहरिस्त को देखूं या बाबुओं के इस बजट को देखूं जिसमें डिमांड 37 है और इस फहरिस्त के ऊपर डिमांड्स जो हैं वो 38 है। अब आपने 38 पर वोट करवाना है या आपने इन 37 पर करवाना है, ये मुझे आपने जनाब स्पीकर बताना है। और जनाब स्पीकर, जब मैं इसको लेकर आगे चला तो मैंने 37 से ही शुरू की कि डिमांड जो 37 है मैं उसको देखूं और मैं सर उसके लिए सफा जो है वो 449 पर जनाब स्पीकर मैंने वो देखी। और जनाब स्पीकर, जब वो मैंने यहां पर जनाब स्पीकर आपकी इस किताब में देखी तो वो चार्ज्ड थी जिस पे वोटिंग की जरूरत नहीं होती, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपने देनी देनी है, उसके लिए असेंबली से ना वोट की जरूरत है ना पास करवाने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, एक तरफ आपका असेंबली सेक्रेटेरिएट है जो उसको वोट में डाल रहा है और दूसरी तरफ हमारा बाबू जो है वो उसको चार्ज में डाल रहा है। और बात यहीं पर नहीं रुकती जनाब स्पीकर, बात आगे बढ़ी तो जो डिमांड नंबर 38 थी जनाब स्पीकर, जो इस किताब में मौजूद नहीं थी, मैंने जनाब स्पीकर वो इस किताब में से ढूंढनी शुरू की और वो मुझे 467 पर मिली जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब इसे देखा तो ये डिमांड भी चार्ज्ड थी, इधर वो जो असेंबली ने लिस्ट जारी की है उसमें वो वोट की लिस्ट पर है और किताब के अंदर वो 37 भी जनाब स्पीकर चार्ज थी जिस पे वोट नहीं होना, ये पास होनी ही होनी है, इसके लिए असेंबली की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मजीद इसको देखा तो जनाब स्पीकर मुतालबा नंबर 9 जो इसके सफा 57 पर और 144 पर मौजूद है, जनाब स्पीकर ये अगर आप देखें तो ये 2 रकमें लिखी हुई हैं। एक जनाब स्पीकर रकम और है और दूसरी रकम जो उसकी नीचे समरी में है वो जनाब स्पीकर और है। अब जनाब स्पीकर गुजारिश ये है कि ये थोड़ी सी मेहनत पे, एक आदमी की कोशिश पे ये 3-4 चीजें जनाब स्पीकर इस सप्लीमेंट्री बजट में मुझे नजर आई, मैंने जनाब के सामने वो अर्ज की। मेरा जनाब स्पीकर आपसे मुतालबा और गुजारिश है कि बराए करम आप एक कमेटी बना दें
अगर कोई पहले से कमेटी मौजूद है तो जनाब स्पीकर इसको आप उनके सुपुर्द कर दें, मैं वहां साबित करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि ये कोई क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है, ये एम्बेजलमेंट है सर, ये सर धोखा है, ये फ्रॉड है जनाब स्पीकर, कि आप कोई डिमांड रखकर और किसी और को अगर आप पास करवा लें। जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि ये हमें बुद्धू बनाने की और उल्लू बनाने की कोशिश की गई है कि इस हाउस में तो किसी ने ये करना नहीं है, जो कुछ होगा आईज और नोज की लहर में वो पास हो जाएगा। इससे मेरा और मैं समझता हूं कि इस सारे हाउस का इस्तेकाक मजरूह हुआ है। जनाब स्पीकर अगर ये आप मामला नहीं देंगे किसी कमेटी के सुपुर्द करेंगे तो जनाब स्पीकर मैं इस पे अपनी प्रिविलेज मोशन लाऊंगा। ये इस हाउस का नहीं, ये 12 करोड़ अवाम का भी प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, जिन्होंने हमें यहां मुंतखब करके भेजा है, जिन्होंने हमें अपने राइट्स का चौकीदार बना के यहां भेजा है। और मैं समझता हूं कि मेरे वजीर उनका कोई कसूर नहीं होना, उन्हें ये समझ ही नहीं आने दी होगी और उनसे ये निकाल कर इन्होंने आगे रख दी होगी। लेकिन इस मामले को जनाब स्पीकर मैंने देखना है, मैंने इसको छोड़ना नहीं। मैं आपसे तवक्को करता हूं कि अगर आप मेरी गुफ्तगू के दरमियान इस पर कोई रूलिंग दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, वगरना फिर मुझे बार बार उठ के अर्ज करनी पड़ेगी, उससे हाउस भी डिस्टर्ब होगा। जनाब स्पीकर जब ये चीजें मैंने देखी तो मैंने कहा कि शायद मेरे शहर का भी कहीं नाम आ जाए। जनाब स्पीकर इस 472 के 474 के पर मुश्तमिल किताब, सफात पर मुश्तमिल इस किताब में जनाब स्पीकर मैंने अपने शहर का नाम बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। जनाब स्पीकर मैं पंजाब के अंदर नहीं हूं, इसमें बेशुमार इजला ऐसे हैं जिन बिचारों का नाम तक नहीं आया। और जनाब स्पीकर एक चीज जो मैंने इसमें देखी कि जो सफा उल्टता था जनाब स्पीकर वो माशाल्लाह वजीरे आला साहब के जिले से होता था। मैं थोड़ी सी तफसील जनाब को अर्ज करूंगा। ये सफा नंबर 12 जनाब स्पीकर मुलायजा फरमाएं इस किताब का, बलोच लेवी डीजी खान 24,50,000, 35,47,000। जनाब स्पीकर सफा नंबर 11 बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डीजी खान 1,37,00,000। जनाब स्पीकर ये सफा नंबर 48 1,48,94,000 और 1,21,00,000 की ये दो स्कीमें हैं, फंड फॉर डिवीजन 1 और 2 डीजी खान पीएचई सर्कल डीजी खान। जनाब स्पीकर ये सफा नंबर 68 जनाब स्पीकर इस पे भी ये दो स्कीमें हैं जनाब स्पीकर, डीजी खान से मुजफ्फरगढ़ तमीर सड़क 1,02,18,106 और डीजी खान से मुजफ्फरगढ़ रोड तामीर 725,35,720 जी। जनाब स्पीकर ये दूसरा सफा है, सफा नंबर 76 तमीर सड़क निक्का टलपुर से चोटी बाला डीजी खान 46,41,546। जनाब स्पीकर ये सफा नंबर 78 तमीर सड़क शादा लुंड से जिंदा पीर डीजी खान 27,67,570। तमीर सड़क चोटी बैत सवाई से झोंक सरदार निवास डीजी खान 92,55,055 रुपए। तमीर सड़क पुलिस चौकी मरहटा से बस्ती हुसैन नमर्दी, ये नमर्दी पहली दफा सुना है जी, पहले तो मर्दी ही होते थे, 81,58,278। जनाब स्पीकर सफा नंबर 95 चोटी से जामपुर मेटल रोड 32,43,467। जनाब स्पीकर ये सफा नंबर 102
तामीर सड़क बस्ती वजान से बस्ती गंगी गंगी वाला डेरा गाजी खान 4,67,665। जनाब स्पीकर ये सफा नंबर 101 है। तामीर सड़क पुल 23 से कोई सुराब डेरा गाजी खान 27,93,057 रुपए। इंजे सर जी बाटा रेट है ना 99 पैसा भी नाल लाया हुआ ने। जनाब स्पीकर सफा नंबर 103 तामीर सड़क नटकनी से टिब्बी कसरानी डीजी खान 17,68,273। तमीर सड़क बस्ती खुदाबख से समीना चौक डीजी खान 23,22,988। तमीर सड़क वही बस्ती से बस्ती बेला डीजी खान 4,89,41,043 रुपए। पुल की तमीर जामपुर। जनाबे स्पीकर सफा नंबर 125 तामीर सड़क N55 से बस्ती बुजदार डीजी खान 3,22,61,921। तामीर सड़क हेड बाई से इंडस हाईवे डीजी खान 2,96,53,386। तामीर सड़क N55 से खद बुजदार डीजी खान 1,34,00,000।